जैन दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। चले एक बार फिर से स्वागत है चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोग, क्योंकि मैं आज आप सब के बीच डिस्कस करने जा रहा हूँ झारखंड की नई भर्ती अपकमिंग वैकेंसी को लेकर, जिसमें बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा एज जो है पार हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो उम्र सीमा में जो है झारखंड सरकार को जो है जितने सारे वैकेंसी आए, चाहे झारखंड पुलिस हो या सिविल जॉब हो, जितने सारे वैकेंसी आए झारखंड में अपकमिंग वैकेंसी आए, सभी में जो है उम्र सीमा में एज लिमिट में जो है छूट देनी ही चाहिए। अगर उम्र सीमा यानी एज लिमिट में छूट नहीं दी जाती है तो यहाँ के लगभग 50% युवा जो है आवेदन अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर सरकार को जो है पुनर्विचार करनी चाहिए। तो लीजिए उम्र सीमा को लेकर पंकज सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपना विचार विमर्श रखेंगे कि एज लिमिट, चूंकि आप देख रहे हो किसी से भी झारखंड की स्थिति अभी छुपी नहीं हुई है, चूंकि आप देख रहे हो इतना दिनों से वैकेंसी नहीं आ रहा है, जो भी वैकेंसी आ रहा है नियोजन नीति, स्थानीय नीति, याचिका कोर्ट में जा रहा है, वहाँ पर जो रद्द कर दिया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया बीच में। तो पंकज सर आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे जो है आप सब जो कमेंट किया था उस टॉपिक पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्क्रीन क्लास तक जरूर देखें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे इस तरह के लेटेस्ट टॉपिक सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर हमारे चैनल पर। नमस्कार नमस्कार। तो पंकज सर जैसा कि मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिस्कस करने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, कि जैसा कि सर बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं नहीं आई आया, है तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए या फिर नहीं? जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, और इस पर सरकार को निश्चित रूप से विचार विमर्श करना चाहिए, और अगर कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें उम्र बढ़ाकर ही वैकेंसी का विज्ञापन निकालना चाहिए। क्योंकि सर झारखंड पुलिस में बात बात करना चाहता, झारखंड पुलिस कॉन्स्टेबल सिपाही का, जी तो जो कि उसका विज्ञापन 2015 में आया हुआ था, जी जी उसके बाद आज 22 लास्ट यानी लास्ट है, सात यानी साल में 7 साल लगभग होने चले हैं। तो अगर एक वैकेंसी का विज्ञापन 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद आएगा, तो युवाओं का एज बचा हुआ कहाँ रहेगा सर? जी क्योंकि आप देख रहे हो एज देखिए, वैकेंसी जिला पुलिस के हो या फिर झारखंड दरोगा यानी पुलिस सब और निरीक्षक, हाँ किसी का भी हो, हाँ उम्र को लेकर बहुत सारा परेशानी हो रही है युवाओं को। जैसा कि आपको बता देते हैं कि 2018 में जब दरोगा की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें उम्र को लेकर बहुत सारा बस उसमें छिड़ गया था, क्योंकि उम्र में उसमें कम ही एज दिया गया था। 21 साल से शायद 26 साल तक जनरल में, हाँ जी सामान्य जी कैटेगरी में ना, हाँ, जनरल का 21 से 26 था, और तो आप ओबीसी समझ सकते हो क्योंकि उसमें जो आपका क्वालिफिकेशन था अप्लाई करने के लिए, जो क्वालिफिकेशन था शैक्षणिक योग्यता, वह ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तरीय लेवल का जो था, यानी आप समझ सकते हो स्नातक करते करते 22-23 साल तक तो स्टूडेंट का एज हो ही जाता है। जी तो कितना आपको समय मिलता है, 3-4 साल? तो इतना कम समय में तो तैयारी करने में भी तो कुछ समय लगता है ना, तो काफी कम एज जो है इस बार भी जो है एज लिमिट रखा गया था, तो उसको देखते हुए तो इस बार तो काफी दिनों बाद वैकेंसी आ रहा है, तो इसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो पिछला बार विवाद हुआ था, बहुत सारे युवा जो है सड़क पर भी उतरे थे इसका विरोध में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जो है इसका ज्वाइनिंग भी हुआ। लेकिन इस बार जो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, चूंकि यहाँ पर हमको लगता है 50% से ज्यादा युवाओं का एज जो है पार हो चुका है, क्योंकि इतना दिनों बाद वैकेंसी आ रहा है। आप अगर कोई 2015 में मैट्रिक दिया है ना, तो अब अभी 22 हो रहा है, तो 7 साल में वो तो ग्रेजुएशन पीजी पार कर गया होगा अब तक, अगर कंटिन्यू रहे तो ऐसे में अगर उसका उसका भी तो 27 साल पार हो जाएगा, तो ऐसे में स्टूडेंट अप्लाई कब कर पाएगा? इसलिए उसको भी मौका मिलना ही चाहिए ना सर। देखिए, वैकेंसी में बहुत लेट हो चुका है और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें, और उसमें उम्र को लेकर जो छिड़ा हुआ है जंग, उसको समस्या को सुलझा कर ही अप्लीकेशन जो निकालते हैं विज्ञापन, उसको बढ़ा कर ही नहीं, उम्र को बढ़ा कर ही अप्लीकेशन निकालें ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। तो चलिए अब सर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आखिर क्यों इतना विलंब हो रहा है और क्यों जो है उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए झारखंड के सभी छात्रों को। तो सर जैसा कि बहुत ही विलंब हो रहा है वैकेंसी में, तो आखिर किन कारणों से जो है यहाँ के स्टूडेंट छात्रों को जो है एज लिमिट में उम्र सीमा में छूट मिलना मिलनी चाहिए। चाहिए, बताइए। देखिए, वैकेंसी में बहुत देरी हो गया है, जी सरकार भी 2.5 साल पार कर चुकी है, हाँ तो सरकार को निकलना चाहिए। हाँ देखिए, 50% जो है युवाओं का एज पार हो गया है, जी और 50% ना तैयारी करने वाला जो युवा जो पढ़ रहे थे जी जी वो वैकेंसी के आशा छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके, मतलब वो हाँ, तैयारी करना ही छोड़ दिए तैयारी कि करना ही झारखंड में छोड़ कुछ चुके हैं और होगा, वो बाहर निकल चुके हैं, बाहर भी कमाने खाने के लिए और क्या करेंगे। अब जान ही रहे हैं कि बीच में जो कोरोना जो आया था उसमें हाँ 2 साल तो कोरोना तो का उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था, एज बहुत ही दिक्कत हुआ था हाँ 2 साल स्टूडेंट से को। कोई हाँ वैकेंसी उसमें नहीं आई थी, और 2015 के बाद से कोई वैकेंसी जिला पुलिस की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए युवाओं के अंदर में गुस्सा जायज है और सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए। तो देखिए सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि किन कारणों से जो है युवाओं को एज लिमिट में छूट मिलनी चाहिए। एक प्लस पॉइंट, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आ रहा है, 2 साल का कोरोना, आप जानते हैं उस समय तो सारे कुछ जितने भी प्रक्रिया था भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोक दिया गया था, विज्ञापन भी नहीं आ रहा था 2 साल तक।
उसके बाद और तरह तरह के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट को जो है एज लिमिट में छूट मिलनी ही चाहिए। और युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए, युवाओं को चाहिए कि अधिक से अधिक मेहनत करें। तो सर मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए कि वो हार ना माने, नेगेटिव बातों पे बहुत ध्यान ना दें, हमेशा पॉजिटिव बातों पे ध्यान दें कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी आएगी ही और आएगी। तैयारी ना छोड़ें। जिन जिन भाइयों का आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो वो क्या करे सर, थोड़ा बताइए। जिसका फाइनेंशियल परिवार के बहुत सारे ऐसे देखिए, मिडिल फैमिली के हैं। जो युवा जो बाहर निकल गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके पास किसी कारणवश पैसे की कमी होने कारण बाहर निकल गए हैं, तो बाहर में भी पढ़ सकते हैं। और बाहर में पढ़ते रहिए, जब भी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल पास कीजिए, उसके बाद हल्का फुल्का पढ़ते रहिए। और जैसे ही फिजिकल पास कीजिएगा आप रिटर्न एग्जाम पर लग जाइए। रिटर्न एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू आपके पास बने रहना है पढ़ाई आपको के लिए। छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आप अगर काम करते हो, आपका आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं पैसे की है, किल्लत है, इस कारण से पैसा बाहर की निकल किल्लत गए है, हैं। दिक्कत है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, अगर बाहर में कहीं काम कर रहे हो या फिर अपने शहर में ही कहीं काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। जी हाँ, तो अब रहा सवाल सर कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के जो तैयारी करते हो टैलेंटेड ही रहते हैं, तो क्या अगर वो जूनियर लड़के जैसे 6 to 10th का लड़का को पढ़ाएंगे उससे भी कुछ आमदनी मतलब इनकम हो जाएगा? और जो गांव घर में, अगर आप अपने शहर में हो या फिर गांव घर में हो, तो आप जो है आपके अगल बगल जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं छोटे छोटे 6 to 10th के, उसको आप जो है अच्छे तरह से क्लास दे के आप उससे जो है हल्का कुछ फुल्का आपका, इनकम हाँ, कमा आर्थिक सकते हैं, आर्थिक मदद कर ले सकते सकते हैं। हैं। तो सर वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, अंत में सिर्फ यही आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई कमेंट करते कि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बिना ट्यूशन के भी कैसे मतलब तैयारी कर सकता हूँ देखिए, मैं। मैं संजय महतो ऑफिशियल जो चैनल जो है यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो बाहर निकल गए हैं पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो बाहर में पढ़ते रहिए और संजय महतो यूट्यूब चैनल को हमेशा देखते रहिए। इसमें अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि गरीब से गरीब लड़के का पढ़ाई यूट्यूब के माध्यम से ही हो जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बाहर में जो रह रहे हैं उनका मनोबल हाई रहे और अपना पढ़ाई जारी रखें। तो जीके जीएस देखिए, पंकज सर मैथ पढ़ाते थे, जब पंकज सर अपने से खुद से तैयारी करते थे अपना वैकेंसी को लेकर, तो वो भी बच्चे को कोचिंग देते थे। तो पंकज सर जैसा कि मैथ रीजनिंग का आपको क्लास दे देंगे, जीके जीएस का जितना हो सके मैं जी आपको दे बिल्कुल, दूंगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी फ्रेंड लोग हैं जो हमारे साथ अभी पुलिस से जुड़े हुए पुलिस, सभी को मैं बोलूंगा का जो सब्जेक्ट मजबूत तौर मजबूत है वो उस विषय पर जो है कम से कम क्लास ले लें। तो जी आप बिल्कुल, वैकेंसी आने दीजिए। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को पढ़ाई भी जारी हो। कोर्स पूरा कंप्लीट कर हाँ, दिया जाए, कोर्स पूरे कंप्लीट हो जाए। सिलेबस के आधार पर हम कोशिश करेंगे जो कि बाहर उनको, में जो रह रहे हैं उनको मैथ में प्रॉब्लम होता है, मैथ रीजनिंग जीएस आप लोग पढ़ते रहिए, किताब किताब झारखंड, लेकर, हाँ है मैंने ना, बताया हुआ झारखंड है के, चैनल के माध्यम से मेरे झारखंड का को, जो बुक आता है, हाँ झारखंड का पूरा बुक पढ़िए, सामान्य अरे अध्ययन जो आता है उसको पढ़िए। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय हाँ, भाषा। रही बात मैथ रीजनिंग, सब बड़ी नहीं है, हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप लोगों किसी तरह का अगर वैकेंसी देख, लेकिन हाँ आने दीजिए, वैकेंसी आएगा तो हम लोग चाहेंगे कि संजय माता यूट्यूब चैनल जो है इनका, उनसे हम लोग पढ़ाई का भी बनाएंगे, ताकि गरीब से गरीब बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए पंकज सर ने काफ़ी अच्छी बात कही है हम सबों के बीच में कि जब भी वैकेंसी आएगा झारखंड में, उसके बाद जो है हम लोग क्लास प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि जीके जीएस झारखंड जीके, क्षेत्रीय भाषा खोटा कुड़माली, जो भी क्षेत्रीय जी भाषा, बिल्कुल, जिनको हमारे साथ बहुत सारे जो है हमारे मित्र जुड़े हुए हैं जो कि झारखंड पुलिस में है, तो जिनको जिन भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होगा उनको अनुरोध करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जो है इस भाषा का जो है क्लास ले लीजिए ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो काफ़ी अच्छी बात कही है पंकज सर ने कि जब वैकेंसी आएगा तो आप, हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो है आपको जो है जो भी जीके जीएस हो, जितने सारे सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर जो है क्लास स्पेशली क्लास लिए जो है जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहे, इस तरह का लेटेस्ट और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि जब भी वैकेंसी आएगी तो हमारे ग्रुप के माध्यम से आपको जो है सारा कुछ जानकारी सबसे पहले मिल सके, सटीक और उचित जानकारी। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जो है जुड़े रहे, जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे, बगल बेल आइकन घंटी के निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर